राजस्थान के उदयपुर में हुई चिंतन बैठक के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने संकल्पों को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश ब्लॉक और जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के मकसद से मंथन शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता एकजुट हुए। हालांकि बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कार्यकर्ता उवैस रजा ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ देर तक बैठक का माहौल भी बिगड़ गया। हालांकि कुछ देर बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने निष्कासित कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कार्यशाला के बाद हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस पार्टी को फिर से एकजुट होकर काम करने के लिए मजबूर किया है। यही कोशिश है कि ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। निष्कासित कार्यकर्ता ओएस रजा के बैठक में पहुंचने के सवाल पर विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि जो व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पहले ही निष्कासित किया जा चुका है, वह पार्टी की बैठक में कैसे आ सकता है? अगर वह आया है तो वह कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे अनुशासनहीन व्यक्तियों की जगह न पहले थी और न अब है। वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि चिंतन कार्यशाला का मकसद है कि कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी देश को जोड़कर आगे बढ़ने पर विश्वास करती है। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि आने वाले वक्त में प्रदेश के हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी, ताकि लोगों को कांग्रेस की नीतियों से जोड़ा जा सके। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में एक चिंतन बैठक की और उसमें कुछ संकल्प लिए, जिसको लेकर पहले प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना है। और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि आज जो विरोधी पार्टी है वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। तो महात्मा गांधी जी ने जो एक नारा दिया था, भारत छोड़ो, तो हमारी पार्टी ने दिया है भारत जोड़। मकसद ये है कि हम सभी जाति धर्मों को लेकर एक साथ जोड़ने की रणनीति जो बनाई जा रही है, उसी को लेकर ये चिंतन बैठक हो रही और इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और एक हमने जो हमारे प्रदेश में बैठक हुई, उसमें संकल्प लिया गया कि 75 किलोमीटर हर जिले में पद यात्रा वरिष्ठ नेता सभी करेंगे, जिससे कि हम सभी को जोड़ें और सबको साथ लेकर चलें। हमारा मकसद है सबको जोड़ने का। जब सब जुड़ेंगे तो निश्चित ही पार्टी खड़ी होगी, और पार्टी खड़ी होगी तो निश्चित कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। क्योंकि आज क्या है कि एक धर्म के नाम पे वोट को मतलब बांटा जा रहा है। तो जल्दी से युवा या जो व्यक्ति, क्योंकि कांग्रेस टाइम में नहीं थे, जो आज बच्चे 20 या 21 साल के हो रहे हैं, वो हमारी नीतियों को भूल चुके हैं। जो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, जैसे मोदी जी आके कह जाते हैं कि 70 साल में क्या किया, उनको नहीं पता कि IIT किसने बनाया, IIM किसने बनाए, रेलवे किसने बनाए, एयरपोर्ट किसने बनाए। तो ये उन बच्चों तक, उन मातृशक्ति तक पहुंचाना है, इसी का संकल्प है कि हम अपनी बात अपनी जनता तक, जो पब्लिक है, वहां तक पहुंचा पाए कि कांग्रेस टाइम में ये हुआ है और 8 साल में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने केवल जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया। देखिए, ये तो सबसे पहले जो उदयपुर में नव संकल्प शिविर हुआ था और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पे, अब जिला स्तर पे ये कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। चिंतन की आवश्यकता है। जो परिणाम आए वो हमारे पक्ष में नहीं आए, और जो आज की आर्थिक सामाजिक न्यायिक परिस्थितियां हैं और सामाजिक ताने बाने को जिस तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस पे मंथन, चिंतन और कांग्रेस अब कैसे योगदान दे सकती है इस भारत को जो तोड़ा जा रहा है, इसको जोड़ने में, इस पे गहन विचार हो रहा है। तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। कांग्रेस अगर मजबूत रहेगी तो देश में जो समाज का हर वर्ग है वो मजबूत रहेगा और सुरक्षित महसूस करेगा। देखिए, अनुशासन ही जब नहीं होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ और कोई बात नहीं, अगर सुमित हृदेश कांग्रेस के खिलाफ काम करे, सुमित हृदेश को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदेश का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में, हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है? तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहना ही पड़ेगा। नेगेटिव मैसेज क्या जाएगा? जो नेगेटिव, देखिए ऐसा है, जो कांग्रेस के साथ खड़ा है आज परिस्थिति में, हर परिस्थिति में कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, उसको हमारा प्रणाम और नमन। लेकिन जिसने बुरी परिस्थिति में कांग्रेस
बनने का ढोंग करा और खुलेआम कांग्रेस पार्टी का विरोध करा, ऐसे व्यक्ति के लिए कांग्रेस के ना मंथन शिविर में जगह है, ना चिंतन में जगह है, और ना किसी कांग्रेस के प्रांगण में और समारोह में जगह है। सीधे आप पर आरोप लगाया जा रहा है। निष्कासित आदमी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में भाजपा से निष्कासित आदमी आ सकता है? समाजवादी पार्टी की अगर कोई वो होगी, बसपा की होगी, यूकेडी की होगी, निष्कासित आदमी आ सकता है? तो देखिए नहीं आ सकता है ना। तो जहाँ प्रतिबंधित है, स्वराज आश्रम कांग्रेस का भवन है, यहाँ कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, निष्कासित व्यक्ति कैसे आ सकता है? तो मैंने तो केवल थोड़ा अनुशासन लाने का एक प्रयास करा है, बाकी आप सब लोग जानते हैं, सम्मान में कहीं मैं कहीं किसी की कमी नहीं रखता हूँ।